विधानसभा की धारनाका नगर पंचायत क्षेत्र में पंख डांडिया गरबा महोत्सव की धूम के साथ ही गरबा अपने चरम पर पहुंचा है। पंख डांडिया गरबा महोत्सव के आयोजन सुनील चौधरी ने बताया कि पंख डांडिया गरबा महोत्सव के दूसरा वर्ष है और इस तरह पंख परिवार द्वारा गरबा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके संरक्षण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय है। इस पंख डांडिया गरबा में कपल बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, साथ ही आने वाले समय में इसे और भव्य रूप दिया जाएगा। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पंख डांडिया गरबा आप जो करवाते हैं, ये किस उद्देश्य से आपने शुरू किया? तो जय माता दी शुभकामनाएं। पंख डांडिया गरबा महोत्सव एक परिवार जुड़ने का एक तरीका, एक जरिया है। हम लोगों ने शुरू से ये प्रयास किया है कि यहाँ पर जितने भी प्रतिभागी रहे और उनके परिवार के लोग रहे, कार्यक्रम से जोड़ने का हमारा मुख्य उद्देश्य परिवार को जोड़े और सबको एक साथ करें, एक साथ एक भावना के साथ में हम सभी सामने करते हैं, लोग करते हैं और डांडिया करके माँ के आराधना करते हैं। और हम ये जानना चाहेंगे, वैसे तो हमें पता है कि ये 10वां वर्ष है आपका, और एक चीज जो इस बार आपके बैनर में दिखने को मिल रही है, जिसमें देश की बेटियां दिख रही हैं, क्या कारण है कि इस बार आपने बेटियों को ये डांडिया समर्पित किया है? एक्चुअली हमारे नवरंग संस्था नवरंग गरबा वैसे भी बहुत सारी सामाजिक सेवाएं करता है, और हमारे प्रवीण भैया का एक थॉट है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सर, एक हमारे महिलाओं के लिए या बहनों के लिए ये स्लोगन और ये वर्क किया जाए हमारे नवरंग संस्था के अंदर। सुरक्षा की दृष्टि से आपके द्वारा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं की गई हैं? सुरक्षा की दृष्टि से हमने एक्चुअली क्या यहाँ पर पास सुविधा कर रखी है, जो बाउंसर्स की तरफ से हम बाउंसर हमारे पास है, और महिलाओं की एंट्री और पुरुषों की एंट्री अलग रहेगी, दर्शकों की एंट्री अलग है, और पूरा कैंपस हमारा कैमरे की निगरानी में है। जी, आपका नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह